ब्लू यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ के दोनों आपको अलग अलग वायर मिल जाएंगे, एक रेड वाला है जिससे व्हाइट जलेगी, एक येलो है जिससे ब्लू जलेगी। हेलो भाई, मैं विवेक। और आज भाई ये जो इसके अंदर हेलोजन लाइट, मैंने शायद आपने वीडियो देखा होगा, मैंने डाला था, तब से ये चला भाई बहुत कम, और उसके बाद में भी ख़राब हो गया, क्योंकि हेलोजन है, जब आप इसका रात भर यूज़ करते हो तो ये पता नहीं ख़राब हो ही जाते, कोई सा भी हेलोजन हो। फ्रंट के भी मैंने आपको दिखाया था, उन्होंने ये वाला स्विच ख़राब कर दिया था। अभी तो बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसमें भी आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ ना। ये देखो, ये बंद हो गया, ये भी गर्म होने से। इसके अंदर एक रिले डलती है, वो मैंने नहीं डलवाई, वो डलवाना पड़ेगा, हो सकता है उससे फ़र्क हो। लेकिन सबसे बढ़िया भाई एलईडी लाइट, अभी हम करने वाले इसका परमानेंट जुगाड़। परमानेंट जुगाड़ के मतलब, यहाँ से पहले खोल लिया, परमानेंट जुगाड़ मतलब ये इसके अंदर लगा देंगे। अभी मतलब ये 250 रुपये में दो है, एक आगे उधर कहीं रखी होगी, ये दो है। इसमें यहाँ पे वायर है तीन, मतलब इसमें पार्किंग लाइट वाला सिस्टम भी है। हालांकि अपने को पीछे तो पार्किंग नहीं चाहिए, लेकिन अगर आगे फ्रंट में आप इसे डाल रहे हो तो ये बढ़िया है। आप इसमें पार्किंग लाइट भी देख सकते हो, चालू करके देख लेंगे वैसे एक बार, और इसको डाल देंगे इसके अंदर कुछ इस तरह से। अंदर रहेगा तो इसमें धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी, तो ये काफ़ी लंबे समय तक भी चल जाएगा और बढ़िया भी रहेगा। तो इसको किस तरह से आप अंदर डाल सकते हो, लंबे समय तक इसका यूज़ कर सकते हो, मतलब ये ख़राब नहीं होगी रात में। और एलईडी का लाइट भी भाई बढ़िया ही रहता है, अभी वहाँ पर एलईडी है, इतनी छोटी सी होने के बाद भी उसका लाइट बहुत बढ़िया है, इससे तो लाख गुना बेहतर है। जो कंपनी से आपको हेलोजन लाइट मिलता है सिर्फ वही सकते है, बाकी आप अलग से डलवाते हो वो तो भाई चलते नहीं। मैंने इसमें अलग से डलवाया क्योंकि जो अपना ओरिजिनल था वो ख़राब हो गया। बस बाहर से आप तो ये पीछे वाले डलाओ, ये ही बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि ये कम जलते हैं। इसलिए लाइट ही ख़राब है कि वायरिंग ख़राब हो गई। ये देखो, ये वायर का हाल देखो, क्या किया इसने, खोल इसको। तो भाई अभी इसको हमने खोल तो लिया था, लेकिन हम सोच रहे थे यहाँ कुछ से हो जाएगा, लेकिन ये पूरा सिस्टम खुलेगा और फिर शायद ग्लू से लगाना पड़ेगा, और अपन थे थोड़े जल्दी में, लेकिन इसको खोलना तो पड़ेगा। खोल तो इसको यहाँ से भी खोलना पड़ेगा। चलो इसको पूरा खोलता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ। इसमें भाई है दो सिस्टम, एक ब्लू यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ के दोनों आपको अलग अलग वायर मिल जाएंगे। एक रेड वाला है जिससे वाइट जलेगी, एक येलो है जिससे ब्लू जलेगी, लेकिन हम सबको साथ में लगा देंगे ताकि लाइट और ज़्यादा निकल सके बाहर, अपने को ज़्यादा लाइट मिल सके। बाकी लाइट बहुत कम लग रहा है इसका, कि रात में बढ़ेगा, अब रात में शायद हाँ पता चलेगा। अरे लग जा यार, ये तो बहुत मजाक कर रही है यार। ये देखो, शायद रात में तो बढ़िया रहेगा यार। HID के अंदर भी यही वाली लाइट डाल दें क्या, क्योंकि अपनी HID भी खराब है। चलो ये तो फिर पूरा लगाने के बाद पता चलेगा। तो भाई इसको कुछ इस तरह से पैक कर दिया अभी, बाकी पूरा आइटम है मेरे पास, और ट्रैक्टर अभी जाएगा प्लव करने, तो इसको जाने देते हैं, और तब तक मैं इसको फिट कर लूँगा, और ये साहब जाएंगे मुस्कुराते हुए प्लव करने। बाकी ये सिस्टम को भाई, क्योंकि यहाँ से पूरा खोलना पड़ेगा ना, ये देखो रिपीट दिख रही, तो इसको पूरा खोल के इसके अंदर फिट करना पड़ेगा, फिर खेत में जाके मैं कस दूंगा, बाकी जाने दे वैसे ही जाओ। ये सारा तामझाम खोल तो लिया, लेकिन इसको फिट करने में काफ़ी मेहनत लगेगी। बाकी यहाँ पे भी कुछ गम सा लगा था, ये देखो सारा वापस से लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसके अंदर धूल चला जाएगा। बाकी सक्सेस हो जाए तो ठीक है, क्योंकि इतने को फिर वापस से खोल के इसको निकालना काफ़ी मेहनत भरा काम हो जाएगा, क्योंकि अपने को इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। और ये सारा सिस्टम निकाल लिया, अभी इसको एक बार साफ कर लेते हैं, उसके बाद में ये कुछ इस तरह से लग जाएगा इसमें। अभी इसको इस तरह से लगाने के लिए भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्लू गन से ग्लू लगा देंगे, वही जुगाड़ सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो चलो इसको साफ करते हैं, उसके बाद में फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी इसको चिपकाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको लगाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया है कि ग्लू गन से अपन इसको यहाँ पे चिपका देते हैं, ताकि अगर कभी निकालना होगा तो ये निकल भी जाएगी। प्लस ये भाई अपने पास ग्लू गन, जो कि ऐसा 250-300 रुपये के समथिंग में होगी, और इसके पीछे ये लगता है, इसमें गम जो होता है वही वाला सिस्टम होता है, इससे इसको आउट साइड यहाँ पर पूरा पैक कर देंगे, ताकि ये कुछ इस तरह से लगी रहे। बाकी इसका यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब इतना मजबूत नहीं होता कि आप इसे निकाल ना पाओ, यहाँ से गम आने लगा। ये देखो, इसको पहले कर लेता हूँ, चिपका लेता हूँ, उसके बाद में फिर आपको दिखाऊंगा। एक तो इसकी वायर छोटी सी है, यहाँ पर लगेगा इसका स्प्रिंग, एक होल बना हुआ था ये वाला है, यहाँ पे स्प्रिंग लगेगा, इसको छोड़ देते हैं, बाकी इस तरह से इसको करके देख। तो भाई ये सिस्टम अपना पूरा फिट कर दिया था, देखो कुछ इस तरह से फिट हुआ, ऐसे दूर से दिखेगा भी नहीं, कांच लगने के बाद तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि अपने को नॉर्मल हेलोजन इसमें देखने की आदत है, लेकिन अब ये कुछ इस तरह से ऐसा लगेगा जैसे प्रोजेक्टर डाल दिया हो। बाकी
ये हो गया है बढ़िया, पीछे से आ गई अपनी वायरिंग। बाकी इसको यहाँ पे ऐसे लगा के ये हाइलक्स को नीचे कर देंगे और इसको भी पैक कर देते हैं ग्लू गन से, क्योंकि अगर ये खुला रहेगा, इसके अंदर गम तो लगा था, जब अपन ने इसको खोला तो गम सारा निकल गया। अब ग्लू गन से लगा देते हैं इसको, ताकि इसका ये जो पूरा पैक हो जाए सिस्टम, तो धूल और पानी नहीं जाएगा, और अगर धूल और पानी इसके अंदर गलती से चला गया तो पूरा यहाँ पे धूल मिट्टी हो जाएगा, तो फिर अपने को ये खोल के बार बार साफ करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि इससे ग्लू गन से हम पूरा पैक कर दें इसको, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। बाकी अगर ये ख़राब नहीं हुई तो कभी खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो गई तो फिर खोल लेंगे, मेहनत लगेगी थोड़ी सी। चलो इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो, ये हो गया अपना कंप्लीट, और बाकी पूरा ग्लू गन से मैंने लगा दिया। अभी उतना बढ़िया से लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी पूरी रिपीट लगाना पड़ेगी अपने को, तब ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने ज़्यादा लगाया भी नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं था ग्लू गन ज़्यादा लगा के इसके ऊपर। बाकी यहाँ से भी इसे पैक करना पड़ेगा, वो तो अपन इसका जो सिस्टम निकाला है वो वापस डाल देंगे, क्योंकि नहीं तो यहाँ से भी धूल इसमें घुस जाएगा। इसके जो रिपीट है वो लगाऊंगा, उसके बाद में इसे खेत में ले जाके अपन फिर ट्रैक्टर में इसको वहीं पर लगा दूंगा। तो चलो चलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ खेत में, और इसको अभी रात में ही डाल देते हैं। अभी बजे हैं लगभग रात के 9, और अपने को रात में भर चलाना है, मतलब पूरी रात चलाएंगे, तो इसके लिए इसको डाल देते हैं। क्योंकि इसमें प्लव में खासकर ये सिस्टम है कि इधर का लाइट सिर्फ इधर दिखेगा, जब इधर घूमता है तो इधर उतना दिख नहीं पाता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको डाल भी देते हैं। फिर दिन में भी अपने को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्लव के चक्कर में तो भाई बहुत परेशान है ट्रैक्टर और अपन भी। तो ये देखो कुछ इस तरह से लग रहा है, अभी पता नहीं लाइट कितना क्या रहेगा इसका। मेरे को लाइट दिन में भाई उससे कम लग रहा था, बाकी उसका लाइट आप देखो बहुत बढ़िया और बहुत प्यारा लाइट है। तो इसको इसके अंदर फिट करते हैं, बाकी तो पूरी फिटिंग मैंने कर ली थी और वायरिंग। इसको पार्किंग के साथ भी कर सकते हैं, इसका एक वायर और एक इसके साथ भी कर सकते हैं, देखते हैं क्या बढ़िया लगेगा। वैसे पीछे से हवा की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी, पूरा सिस्टम मैंने यहाँ पर ले आया था। अभी इसकी वायरिंग करता हूँ, उसके बाद में फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर वायरिंग देख सकते हो, सिंपल इसमें ब्लैक वाला लगा दिया, इसमें रेड वाला, इसमें अर्थ है, इसमें है अपना प्लस पॉइंट। ये देखो इस तरह से वायरिंग जो ओरिजिनल थी उसी के अंदर कर दिया। अभी इसको कर देते हैं पैक, और एक वायर मैंने इधर लेके गया हूँ, वो कर रहा हूँ मैं पार्किंग के साथ। मैंने पहले सोचा था इसके साथ ही कर देते हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि इसको पार्किंग के साथ कर दें इधर। अरे यार एक इसका कुंदा तो है ही नहीं। तो भाई ये सिस्टम अपना हो गया सक्सेस काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद। अभी ये बंद करना एक बार, ये यहाँ से स्विच बंद कर दिया, अब ये चालू किया, ये हो गया एलईडी। और बीच में जो आपको पता नहीं दिख रहा कि नहीं, एक मिनट फ्लैश, अब देखो भाई बीच में जो है वो पार्किंग लाइट के साथ जलेगी, कितना प्यारा लुक लग रहा है इसका, आप देख रहे हो दूर से। और वो वाली तो अपनी एलईडी है ही, बाकी ये अब कितनी सक्सेस, ये तो आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। और यहाँ से इसकी ये जो ग्रीन वायर है ये यहाँ पे जाके हो गई ये रेड, और यहाँ से फिर पार्किंग में कनेक्शन किया हुआ है। ये देखो जैसे अपनी पार्किंग ऑन होगी ये हो जाएगी। अभी जैसे पार्किंग मैंने बंद की, सफ़ेद लाइट बंद है इसका, ये बंद हो गया, और सफ़ेद अभी पार्किंग बंद हो गई, अब ये सफ़ेद भी बंद हो गया। ये देखो अब अपन जैसे ही पार्किंग चालू करेंगे तो पार्किंग के साथ इसका आगे की लाइट भी चालू हो गई, ये वाले सिस्टम भी चालू हो जाएगा, और ये बहुत प्यारा लगेगा। जैसे ये भी बंद कर देता हूँ एक मिनट, ये भी बंद हो गई। अब पार्किंग के साथ भाई ये इतना लाइट आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर आप छोटा मोटा कुछ काम कर रहे हो तो आपको जलाने की भी ज़रूरत नहीं, जब भी पार्किंग ऑन होगी ये हो जाएगा। बाकी आपको ज़्यादा लाइट चाहिए फिर ये सिस्टम कर दो, तो लाइट ठीक ठाक है, मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ यहाँ पर अपना काम बढ़िया हो जाएगा, आप देख सकते हो इसके लिए बढ़िया है। बाकी हेलोजन से बेस्ट है, बैटरी कम खाएगा, दूसरी बात ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक चलने की उम्मीद है, बाकी तो पता चलेगा। और ये क्या है ये टेप, इसको भी रख ले। तो भाई आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।